हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बंटू डिटेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने करा था एक पीसी बिल्ड, वो भी राइजन के 5 1600 के साथ। साथ साथ जो ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ करा था उसमें वो था MSI का GTX 1060 3 GB वाला ग्राफिक कार्ड। तो वहाँ पे फ्रेंड्स वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी थी, तो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उसकी गेमिंग परफॉर्मेंसेस और बेंचमार्क जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी ये पीसी जो है ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है, साथ साथ आपको गेमिंग में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो प्रोसेसर है वो राइजन 5 1600 ही है, जो रैम है वो कॉर्सर की LPX DDR4 8 GB 3000 MHz की रैम है। साथ साथ ग्राफिक कार्ड में आपको बता चुका हूँ MSI GTX 1060 3 GB है। तो आप इनके जो है डिफॉल्ट क्लॉक्स को देख सकते हो। साथ साथ जहाँ पे राइजन 5 1600 है उसकी बेस 3.2 है, ये बूस्ट हो सकता है मैक्सिमम 3.6 GHz तक, और साथ साथ इसे मैंने ओवरक्लॉक करा है 3.7 GHz तक। जहाँ तक रैम की बात है फ्रेंड्स, रैम 3000 MHz की है ओवरऑल, बट मैंने इसको सारे टेस्ट पे 2666 MHz पर ही यूज़ करा है, जो कि मैक्सिमम हमारा CPU सपोर्ट करता है। यही पे फ्रेंड, अगर मैं बात करता हूँ ग्राफिक्स कार्ड की, तो आप देख सकते हो जो कोर क्लॉक है उसमें मैंने लगभग 162 MHz का जंप दिया है ओवरक्लॉक में, और साथ ही साथ जहाँ तक मेमोरी क्लॉक की बात है उसमें मैंने जंप दिया है 500 MHz का, जो कि आपको लगभग 252 MHz के आसपास वहाँ पे दिख रहा होगा, 2252 MHz सॉरी। और फ्रेंड, जहाँ तक रेजोल्यूशन की बात है, तो सारी गेम जो है वो आपको 1600x900p के रेजोल्यूशन पे बेंचमार्क करते हुए दिखेगी, क्योंकि फ्रेंड मेरे पास जो है वो 1080p फुल एचडी का मॉनिटर नहीं था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी आप इससे भी देख सकते हो कि आपको जो परफॉर्मेंसेस है डिफॉल्ट में और ओवरक्लॉक में कितनी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क्स को, और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा अभी बेंचमार्क्स को, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है हमें मिल रही है इस पीसी के साथ, जिस बजट में हमने इसे बिल्ड करा है। जहां तक बात है फ्रेंड्स इसकी परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हो डिफॉल्ट में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन इसे ओवरक्लॉक करने के बाद हमें थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। जहां तक ओवरक्लॉकिंग की बात है, मैं आपको ये चीज़ तभी सजेस्ट करूंगा जब आप एक बहुत अच्छा लिक्विड कूलर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आफ्टर मार्केट का कोई और जो कूलर है वो आप इसमें यूज़ कर रहे हो, तभी आप इसे 24/7 जो है ओवरक्लॉकिंग में रन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऐसे सिर्फ 3.7 GHz तक ही ओवरक्लॉक कर पाया ड्यू टू मदरबोर्ड लिमिटेशन, उससे आगे हम नहीं जा पा रहे थे। बट नेक्स्ट एक और पीसी बिल्ड आएगा जिसमें हम 1066 GB वाला ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले हैं सेम इसी प्रोसेसर के साथ, तो हमें थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी, जो कि आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी 3 GB की रैम है उसकी लिमिटेशन मेरे को देखने के लिए मिली बेसिकली यूनिजन सुपरपोजिशन के बेंचमार्क में। तो जब मैं इसे जो है 1080p एक्सट्रीम सेटिंग्स पे बेंच कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक वार्निंग साइन आया कि वी रैम लिमिट इज रीच्ड, और फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। तो हम आए फ्रेंड्स 1080p हाई सेटिंग्स पे, तो वहां पे भी वी रैम लिमिट इज रीच्ड। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं ऐसे सिर्फ कम से कम 1080p मीडियम सेटिंग्स पे बेंच कर पाया। तो यहां पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो 1063 GB है वो उसकी वी रैम जो है वो कम है, और वो काफी ज्यादा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चाहे वो बेंचमार्क्स है या फिर हमारी जो गेम्स है उन सभी में। तो इसलिए मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिकमेंड करता हूं कि अगर आप थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करके 1066 GB वाला ग्राफिक कार्ड खरीदेंगे, तो वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा और फ्यूचर प्रूफ रहेगा। बट इसमें कोई दो राय नहीं है फ्रेंड्स कि 1050 Ti 4 GB के मुकाबले ये वाला 1060 का कार्ड आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है ओवरऑल।
तो आप जो है 19,000 के प्राइस पॉइंट पे ये MSI का ग्राफिक कार्ड भी परचेस कर सकते हो ड्यूअल फैंस के साथ, आपको काफ़ी अच्छे जो है मार्केट में ये मिल जाएगा परचेस करने के लिए। तो फ्रेंड फिर जो बेंचमार्क्स हैं वो ओवरऑल यही थे और मेरे हिसाब से आपको काफ़ी बेटर जो है अब आइडिया मिल गया होगा कि इस बिल्ड के हिसाब से, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। और एट द एंड में ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको कहूँगा पटाखे वटाखे मत जलाना यार, उससे पोल्यूशन वगैरह काफ़ी होता है। मिठाइयाँ बांटो यार, घूमो फिरो फ्रेंड्स के साथ, इन्जॉय करो लाइफ को, वो काफ़ी सही है। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स BTT की तरफ से, बंटू डेटेक्टिव्स की तरफ से, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और फिर मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई फ्रेंड्स तो लाइक बटन दबाकर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी वजह से पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, साथ साथ बेल आइकन को हिट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियोज आए तो आप अपडेटेड रहें। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।